नीचे तक नहीं ला पाएंगे। आप स्वयं नियम बनाते हो और स्वयं उस नियम का पालन नहीं करते हो। 28 अगस्त 2017 को भारत की सरकार ने स्वयं नियम बनाया कि इस देश में न्यूनतम मानदेय या न्यूनतम वेतन 24,000 रुपया मिलेगा। आपने नियम बनाया लेकिन आपने इसका पालन अभी तक नहीं किया। यदि आपने पालन किया होता तो आज भी उत्तर प्रदेश के अनुदेशक 7,000 रुपए और 9,000 रुपया पे वेतन नहीं पाते। और दूसरी बात सर, तो फिर आप नियम बनाते क्यों हो जब लोगों को देना नहीं है? आप स्वयं न्यूनतम मजदूरी तय करते हो, तो जब लोगों को देना नहीं है तो ये नियम क्यों बनाते हो? लोगों को गुमराह क्यों करते हो? लोगों को परेशान क्यों करते हो? ये नियम बनाना बंद करो। वही नियम बनाइए जिसका आप पालन करा पाए। दूसरी बात, अभी सर नई शिक्षा नीति 2020 आई थी, अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले पूरे देश में बहुत बड़े बड़े जश्न मनाए गए कि नई शिक्षा नीति के 2 साल हो गए। 2 साल होने का जश्न तो आप मना रहे हो, लेकिन नई शिक्षा नीति में जितनी बात है बीए की दी गई है, मैंने बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहा है, जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके पेज नंबर 25.5 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जो अनुदेशक हैं उनके जितने सारे विषय हैं, चाहे वो कला हो, कंप्यूटर हो, कृषि विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, शारीरिक शिक्षा हो, इसको मुख्य विषय माना जाएगा। अभी तक सर हमारा विषय मुख्य विषय नहीं माना जाता था, हमारा विषय मुख्य विषय नहीं था, कंपल्सरी नहीं था, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में हमारे विषय को मुख्य विषय माना गया। बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इस निर्णय का। और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इन विषयों के अस्थाई अध्यापक रखे जाने चाहिए, जिस प्रकार से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के रखे जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले अमित शाह जी ने बहुत बड़ा जश्न मनाया इस देश के गृह मंत्री जी ने कि हमने नई शिक्षा नीति जो लागू किया है उसके 2 वर्ष हो गए, उसका जश्न मनाया गया, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए गए, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उसी नई शिक्षा नीति में अनुदेशकों को अस्थाई करने की बात कही गई है, तो आपने 2 सालों में अनुदेशक को अस्थाई क्यों नहीं किया? और अनुदेशक जब 50,000 रुपया मांगता है, अनुदेशक जब 70,000 रुपया मांगता है, तो आप कहते हो कि आप उस लायक नहीं हो, आपको 9,000 मिलेगा, आपको 7,000 रुपया मिलेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ, जब 9,000 रुपया हमको मिलेगा तो हम बड़े लायक हैं, हम उन बच्चों को पढ़ाने के काबिल हैं, लेकिन 50,000 देने की बात आएगी तो हम नालायक हो जाएंगे। तो हम नालायक लोगों से उत्तर प्रदेश के उन गरीब बच्चों को सरकार क्यों पढ़ा रही है? एक बहुत बड़ा सवाल है सर। हम जब नालायक हैं, हमारे पास योग्यता नहीं है, 50,000 देने के लिए योग्यता नहीं है, 70,000 देने के लिए योग्यता नहीं है, लेकिन 9,000 देकर आप हमसे अंशकालिक करके पूर्णकालिक का काम लेते हो। हम भी 6 से 8 घंटा विद्यालय जाते हैं, हम अपने विषय के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान भी पढ़ाते हैं, लेकिन इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को, बेसिक शिक्षा मंत्री जी को गुमराह करने का कार्य किया है। और ये लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक 2 घंटा विद्यालय जाते हैं, ये अंशकालिक है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी बार बार हम लोगों ने इस बात को लगाया है कि हम अंशकालिक नहीं है, हम पूर्णकालिक के तौर पर काम करते हैं, हम 6 से 8 घंटा काम करते हैं। अब देखिए 17 तारीख को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हमारे 17,000 के मानदेय पे आएगा, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से माननीय एपीसी जी ने हमारे मुद्दे को पटल पे लाने का कार्य किया है, हमें पूरा विश्वास है कि 17 तारीख को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट माननीय एपीसी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक फैसला देगा। और जो डबल बेंच का, जो सिंगल बेंच का फैसला था, जो 3 जुलाई 2019 को माननीय लखनऊ हाईकोर्ट से आया था, 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से सिंगल बेंच का फैसला आया था, उसको खारिज करके उसको सरकार उसके खिलाफ डबल बेंच में गई थी। और इस सरकार का जो स्पेशल अपील है, हमें भरोसा है कि माननीय एपीसी जी के नेतृत्व में 17 अगस्त को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करेगा और कहेगा इन अनुदेशकों को 9% ब्याज की दर से 5/2017 से टिल डेट तक इनके 17,000 का जो डिफरेंस है उनका भुगतान किया जाए, क्योंकि सर कोर्ट में हमें भरोसा है, कोर्ट में सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को भी हमें भरोसा है कि 17 तारीख को उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को भी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से एपीसी जी के नेतृत्व में उनको वहां पे उनके भाग्य का फैसला होगा और हमें भी 17,000 का पेमेंट मिलेगा। हमें भी जो हमारा एरियर है, ये 6-7 सालों का लगभग 7,000-7 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार पे हम लोग का हो चुका है, ये सारा पैसा माननीय एपीसी जी के नेतृत्व में, एपीसी जी हम सभी का एक एक पैसा माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से दिलवाने का कार्य करेंगे सर। ये हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, और सत्य परेशान होता है, सत्य पराजित नहीं।
अनुदेशक भी आजाद होगा सर, और उसको भी उसके भी अच्छे दिन आएंगे। उनके भी समस्या जितनी थी उसका पालन होगा, उसकी समस्या का समाधान होगा। ये हमको सर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के भाग्य का पिटारा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवश्य खुलेगा। और माननीय APCD जिस प्रकार से सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के द्वारा जिस प्रकार से हमारी बात को उठाने का कार्य कर रहे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय APCD को बधाई देना चाहते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं। और माननीय APCD आए कैसे, ये सब आप लोग की देन है। पिता तुल आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर की देन है, आदरणीय शिव कुमार मिश्रा सर की देन है कि APCD को माननीय सुप्रीम कोर्ट से लाकर आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लाकर उनको खड़ा किया। और जिस दिन से वो खड़े हुए अनुदेशकों के अटल अनुदेशकों के भाग्य खुल गए, अनुदेशकों के जो सुनवाई हो नहीं पा रही थी, और लगातार अनुदेशकों के सुनवाई होना प्रारंभ हो।